सारे ऐसे ही हैं क्या? बिल्कुल नहीं, दिल्ली के बाद में कुछ बड़े बड़े हिंदू लोग जाते हैं और सिटियों के अंदर भी हैं, लेकिन उनका मेयर को काम होता है। कितने साल से यहाँ ये मतलब कहाँ से आए? ये आते हैं इसको सपोर्ट कौन करते हैं? सपोर्ट यहीं नेता करते हैं, लोकल नेता है उनका, वोट बैंक है वो इनके बनवाते हैं। पहले कांग्रेस में खुद वाले अश्विनी बागड़ी है, देवेंद्र यादव साहब हैं, इनके इलाके हैं इस पालते हैं। तो आए दिन होते हैं 2010 की बात है, जेके शर्मा रिस्टर करते हैं, जब मैं पेट्रोलिंग करता था तो ये जो बुलबुल देख रहे हैं रामलाल जनता में पुलिस में था, इन साथ एक उन्होंने एक चोर को पकड़ लिया पुलिस वालों ने, उसमें बूथ के अंदर लेके आए उसको, दो चार पड़े वाले होंगे, 5 मिनट के अंदर यहाँ 200 लोग हो गए, पूरे बूथ में तोड़फोड़ कर दी। मतलब कल तो मैं 20 साल जानता हूँ, तब तो रिजल्ट मैं मालूम होता है और तुरंत लेता है वैसा ही फोन लगाता है, जितनी मार्केट लगती है बंगाल की गोरिंग मोबाइल जितने ये मतलब दादा टाइप का है, हाँ इनका दादा ही बोलते हैं बंगाली को, लड़का सही जाता हूँ थोड़ी मेरी तो 50 साल की उम्र 20 साल से आप तो बहुत छोटा होगा उसका कौन ये तो नेतागिरी टाइप का भी ऐसा भी इसका हाँ नेतागिरी में लिए किसको सपोर्ट करता है ये श्री बागड़ी देवेंद्र यादव के हुए हैं जो आम आदमी पार्टी का पार्षद है अब बनाया आम आदमी आम आदमी इससे पहले कांग्रेस का था एक महीने पहले दो महीने पहले उसमें आए आम आदमी देखा ना आप कांग्रेस हारने वाली है अच्छा इससे पहले कांग्रेस का था ये पार्षद अभी कांग्रेस का था या आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी में अभी 2 महीने पहले ज्वाइन हुआ 2-3 महीने पहले इससे पहले कांग्रेस का ही था सुना हुआ है टिकट मिल जाऊँ कांग्रेस की आम आदमी टिकट मिलने के चक्कर में इसमें आ गया था इसको बसने कैसे मुझे समझ में नहीं आ रही बसने कैसे बसने अलॉटमेंट है ये बेडरूम है मकान दिख रहा है इसके पीछे मकान वो है अलॉटमेंट से मकान है आगे पहले ग्रीन बेड पट्टी थी तो जंगल की बसी होगी उसके बाद में खाली जगह थी उधर आगे बस गए अब यहाँ से लेके वहाँ तक तमाम छोटे छोटे पार्क हैं सब में सब में झुग्गियाँ मकान बने हुए हैं झुग्गी मान लीजिए आप दुकान बंदी है झुग्गियाँ सब झुग्गियाँ हैं तो कोई 200 बजे घेर रखी है कहीं 100 बजे जिसने घेर ली उसकी हो गई जगह तो आप लोग को दिक्कत नहीं होता है दिक्कत बहुत कोई सुनता नहीं है मैंने वहाँ से 10 साल पहले आटियाँ लगाई थी उम्र पड़ी है समागत समय नहीं है कोई मानने वाला जी ने एमसीडी नहीं है एमसीडी बोल रही ऑथोराइज नहीं है उनका जवाब नहीं देते वो लोग जवाब नहीं दिया मैं तीसरे बस में गया था तो स्थानीय निवासी जो आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं वो कह रहे हैं कि जहांगीरपुरी में कई बांग्लादेशी बसे हुए हैं बांग्लादेशियों के पास आधार कार्ड तक मौजूद है लोकल नेता के सपोर्ट से बाहरी आकर यहां रहते हैं चोरी का सामान आरोपी अंसार बेचता था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब उसके पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं एलएन राव साहब घर घर में हथियार मिलने की बात स्थानीय लोग कह रहे हैं बांग्लादेशी आकर रह रहे हैं ये स्थानीय लोग कह रहे हैं ये सब संभव है कि पुलिस को पता ना हो प्रशासन को पता ना हो देखिए ये संभव तो नहीं है जैसा बताया गया खुराना जी ने बताया कि सी ब्लॉक में काफ़ी लोग हथियार लिए अपने घरों में रहते हैं और भी कई आपके पैनलिस्ट ने बताया है कि वहाँ पर हथियार भी हैं और कोई तो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी काफ़ी पार्कों में बैठ के जब भी आपने स्ट्रिंग में दिखाया कि पार्कों को कब्जा करके बैठे हुए हैं तो ये मैं समझता हूँ कि पुलिस की नॉलेज में होता है क्योंकि पुलिस स्टेशन एक छोटा सा एक अपनी यूनिट होती है उसमें डिविजन्स और बीट बते होते हैं तो ऑफिसर्स को उनको नज़र पे रखना चाहिए लेकिन यहाँ के साथ साथ मैं ज़रा ये बता दूं कि आर्म्स की जो रिकवरी होती है पोजीशन जिसके पास होता है जो उस वक्त मौके पे पकड़ा जाता है उसके पर्सनल पोजीशन से जो मिलता है तब केस बनता है किसी के घर में कहीं पड़ा है तो ऐसे रैम्पेंटली पुलिस वहाँ जाकर तलाशी नहीं ले सकती है जब तक कि कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ना हो
इसके अलावा जो जैसे रोहिंग्यों को या मुसलमान या जो इन लोगों को बसाया जा रहा है वहां पर, वो पॉलिटिकल लोगों की एक अपनी एक वो होती है, पॉलिटिकल लोग वो कहीं डिस्टर्ब करते हैं, पुलिस को भी परेशान करते हैं, और इस प्रकार से वो अगर उनको बसाते हैं तो उनका अपना वोट बैंक समझकर बसाते हैं। तो ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। ओवरऑल ये है कि नो डाउट उनसे तो प्रश्न है सर, लेकिन हरीश खुराना जी आप लोग तो निकालने के लिए आए थे सत्ता में, कितनों को निकाला वहां जो बसे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्यास जो आज बुलाकर वहां पर जांच हो रही है। शांत भाई बसाया तो इन्होंने ही है ना, इन्होंने बसाया। कैसे? सुन लिया आपने? बिल्कुल आपने सुना, अभी स्टिंग में सुना कौशिक जी, आपने आप भी के काउंसलर वहां पे हैं, आपके काउंसलर आम आदमी पार्टी में है, आपने सुना? आपने सुना ना, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं, आज जो जड़ है, आज जो जड़ है इस समस्या की, वो सबसे बड़ी जड़ कांग्रेस है, उसके बाद उन्हीं की बीटी आम आदमी पार्टी है। एक मिनट हरीश भाई, विजय कौशिक जी आप कह रहे हैं बीजेपी रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को बुला बुला कर बसा रही है, किस लिए? हाँ बिल्कुल, किस लिए? देखिए आपके स्टिंग में स्पष्ट हुआ है, आरटीआई एक्टिविस्ट ने बताया है कि जो एमसीडी के पार्क हैं उन पर आकर मुसलमानों ने, जो रोहिंग्या मुसलमान है, प्लॉट कब्जा किया, और एमसीडी में कौन है और भाजपा आम आदमी पार्टी के सहयोग से रोहिंग्या मुसलमानों को वहां पर बसाया गया। अरे पर क्यों बसाया ये तो बताइए, बीजेपी को वोट करेंगे क्या वो? तो मैं भी जानता हूँ, आप ये देखिए ना, मैं भी जानता हूँ, बीजेपी को वोट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी इससे। अच्छा, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आकर बवाल करेंगे तो हिंदुओं की सिंपैथी लेकर भाजपा उस वोट बैंक को कवर करेगी, हिंदुओं की वोट बैंक के लिए, हिंदू मुसलमानों का। ये जो ये कौन सी कहानी आप सुना रहे हैं, रुकिए हरीश खुराना जी, मुझे ये बताइए इनको निकालने के लिए आपने क्या किया? छोड़िए, एमसीडी में भाजपा है, क्यों कब जाने दिया इन्होंने, और इनको एक एक को चिन्हित करके यहाँ से बाहर निकालेंगे, एक ही को चिन्हित। अरे कब निकालेंगे सर, कब? 8 साल हो गए, वही लोग हैं जो विरोध करते थे, ये वही लोग हैं ना विरोध करते थे। आज भाजपा के मुताबिक 50 पाकिस्तान भारत के अंदर बन गए, कांग्रेस के सरकार के समय में एक भी नहीं था। तो मुझे बताइए जो 50 मिनी पाकिस्तान बने हैं इनके मुताबिक, इनके खिलाफ ये क्या कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए, विजय कौशिक जी रुकिए, हरीश खुराना जी अब आप कह रहे हैं कि अब आप इनको एक एक को उठाकर बाहर कर देंगे, 8 साल में क्यों नहीं कर पाए, क्या दिक्कत आई? मैंने क्या बोला जान भाई, आपको भी मालूम है कानून कब बना, आपको भी मालूम है अभी नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ये कानून बना, उससे पहले तो ये विरोध करते रहते थे, उससे पहले किस प्रकार से शोर मचाया गया। अब एक एक को चिन्हित करके निकालेंगे, प्रॉब्लम ये है कि आधार कार्ड बन चुके हैं लोगों के, आधार कार्ड कैसे बने? सुशांत भाई उनसे केवल ये पूछ लीजिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने में कौन सा कानून आड़े आ रहा था, ये हुआ ना? अरे पर घुसपैठियों को निकालने में कौन सा कानून आड़े आ रहा था सर? सुशांत भाई कोई आसान काम नहीं है, ये आपको भी, मुझे पता है, मुझे भी पता है। ये आपने मुद्दे की बात की, आसान काम नहीं है, लेकिन जब आपके नेता रैलीज में खड़े होकर बोलते हैं तो ऐसा लगता है बस ऐसे चुटकी बजाएंगे और सब बाहर चले जाएंगे। देखिए मेरी बात समझिए, कानून अपने हिसाब से काम करता है, आपको भी मालूम है, अगर हम आउट ऑफ देख थोड़ा जाते हैं, थोड़ा सा करते हैं।